नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आजाद नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ परिचित युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसे राजस्थान ले जाकर बंधक बनाकर रखा। पूरे मामले में इंदौर पहुंचने ही महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र प्रभारी नीरज मेड़ा के मुताबिक क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की उसके पति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और बताया कि उसके साथ उसकी 1 साल की बच्ची भी है। पूरे ही मामले में पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और महिला थाने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसका परिचित युवक उससे उसके भाई की तबीयत खराब होने का बोलकर उज्जैन ले गया था, जहां पर उसने कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जहां से उसे बंधक बनाकर उदयपुर राजस्थान ले जाया गया, जहाँ कई बार उसने बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर पहुंचने के बाद उसने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पहचान का एक मंदसौर का रहने वाला राकेश नाम का आरोपी जो उसको यहाँ पे आया और उसको बताया कि तेरे भाई की तबीयत खराब है, ऐसा बोल के उसको ले गया उज्जैन तक। उज्जैन में कुछ खिला दिया उस पर, वो बेहोश टाइप हो गई। उसके बाद फिर ट्रेन में बिठा के उसको जोधपुर ले गया, वहाँ ले जाके उसको दुष्कर्म किया। और यहाँ पे भी जब उसका पति कहीं बाहर काम करने के लिए चला गया था तो उसके कमरे पे भी आके उसके साथ जबरदस्ती करना बताई, उस पर अपराध पंजीबद्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, मानी निर्यात पेश किया गया है उसको। सर, कितने दिनों तक रखा था इसने? वहाँ करीब 5-7 दिन रखा था जोधपुर में, उसकी बहन के वहाँ पे उसको रखा था। इसको बताया था कि तेरे घर पे तेरे भाई की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, तो मैं तेरे को ले नहीं आया हूँ, ऐसा वो झूठ बोल के उसको वहाँ पर ले गया। क्या नशे नहीं, आपस में दूसरे को जानते हैं, शायद मंदसौर के रहने वाले। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।